अपना YouTube चैनल कैसे बनाएं? बहुत सारे प्रश्न इस बात के लिए आए हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक गूगल पर ईमेल आईडी बनाइए। जब आप गूगल पर एक ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपका YouTube अकाउंट ऑटोमेटिक अपने आप बन जाता है। ये गूगल आईडी की, गूगल ईमेल आईडी की खास बात है कि जो भी गूगल ईमेल आईडी बनाएगा उसको बहुत सारी सर्विसेज, जो सेवाएं वो मिल जाती हैं, उसमें यूट्यूब का अकाउंट भी है। उस यूट्यूब के अकाउंट को आप खोलेंगे तो उसके ऊपर, सबसे ऊपर आपको एक गोला दिखाई देगा। उस गोले में आप अपना फोटो लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो उसको क्लिक कीजिए, उसे खोलिए। उसे खोलने के बाद लिखा हुआ आएगा योर चैनल, नीचे लिखा हुआ आता है आपका चैनल, क्योंकि पहले आप यूट्यूब खोलेंगे। यूट्यूब खोलने के बाद में ऊपर क्लिक करेंगे, सीधे हाथ में सबसे ऊपर कोने में गोले को, छोटा सा गोला, जैसे ही गोले को क्लिक करेंगे तो वहां पर आएगा योर चैनल लिखा हुआ। आप उस चैनल पर क्लिक करेंगे। योर चैनल का मतलब है कि आपका यूट्यूब चैनल तैयार है। तो उस पर आएगा डाउनलोड या लाइव। अगर आप लाइव बात करना चाहते हैं तो लाइव का बटन दबा के और अपने मोबाइल के कैमरे के सामने खड़े हो जाइए और जो आप बोलेंगे वो लगातार यूट्यूब पे जाता रहेगा और लोड हो जाएगा। और डाउनलोड में जैसे आप जाएंगे तो आपके कैमरे में जितनी वीडियो है वो वीडियो दिखाएगा। जो वीडियो आपको डाउनलोड करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके बटन दबाएंगे तो वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में उसको प्रोसेस करेगा और वो आपका यूट्यूब चैनल तैयार, आपका वीडियो लोड हो गया। ये लोड करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं, बच्चे एक्सपर्ट हैं। दूसरा, आपने वीडियो बनानी कैसे है? वीडियो बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो आपका एक्सपर्टीज है, जहां जहां आप समझाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं या बताना है, जैसे भी क्या बताना चाहते हैं, कोई धम्म का काम है या कोई स्पेशल सर्विस है या कुछ बेचते हैं या कहीं सामाजिक काम है या कहीं कोई आपका राजनीतिक क्षेत्र है या कहीं आपका कोई दल बल सेना संगठन का है, बाबा साहब अम्बेडकर का, या कहीं कोई पढ़ाना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, कोई भाषा पढ़ाना चाहते हैं, या कोई ऐसी क्रिया है जो दिखाना चाहते हैं, या कोई काम ऐसा है जो सिखाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो लोगों को फ्री सलाह भी दे सकते हैं, इंजीनियर हैं तो फ्री सलाह दे सकते हैं, वकील हैं तो लोगों को सलाह दे सकते हैं। यूट्यूब पे आप बैठ जाइए कैमरे के आगे, अपने मोबाइल को स्टैंड पे लगा लीजिए। स्टैंड पे लगाकर आप उसको ऑन कीजिए, वीडियो बनना आरंभ हो जाता है। पीछे आप बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हैं, नेचुरल सीन लगा सकते हैं या कोई जैसा भी चाहे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जैसे मेरी काली बैकग्राउंड होती है। और आप फिर उसको लोड कीजिए। लोड करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शांति हो, ज्यादा शोर शराबा ना आए। शोर शराबा तो आएगा क्योंकि स्टूडियो की स्थिति आजकल ऐसी ही है। फिर उसके बाद आप उसको लोड कर दीजिए, जो आपने कंटेंट किया है, आपकी वीडियो, आपका यूट्यूब चैनल तैयार है। जैसे जैसे आप उसमें लोड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बाकी चीजें जरूरत पड़ती जाएगी और उस जरूरत के हिसाब से आप उसको बनाते जाएंगे, वो कमी पूरी होती जाएगी। आप लगातार बनाते रहिए, लोगों को बताते रहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि किसने देखा किसने नहीं देखा। एक दिन आएगा जब आपके YouTube चैनल पर लोग खूब देखेंगे और खूब उस पर कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान
धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Shut up.